आपके पीछे और खड़े हैं, जहां शुरू करेंगे तो फिर महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूँ सरकार स्वीकार कर ले कि हम लोग हार गए महोदय, इतना ही है। ठीक है, चलिए ध्रुव जी आपका क्या है कि ध्रुव जी बोलिए। हमारे झारखंड प्रदेश के जो सबसे अच्छे फोर्स झारखंड जगुआर फोर्स के कैंप के बगल में, अध्यक्ष महोदय, झारखंड जगुआर फोर्स के कैंप के बगल में रांची के पूरे रांची शहर के कचरा डंपिंग होता है अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे आग लगा दिया जाता है और वहाँ के जो पॉल्यूशन होता है वो कैंप में चला जाता है, वहाँ के बहुत ऐसे हमारे जवान बीमार पड़ जाता है अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार से उस कैंप का कोई व्यवस्था करे या तो कचरा डंप दूसरी जगह करवा दे, यही मेरा आग्रह। माननीय सदस्य बिरिंच नारायण जी पूछिए पूछिए। सज्जू बाबू का सूचना है क्या? आज ने सूचना दिया था आज के दिन 29-3 को इसको सदन में प्रश्नकाल के समय रखा जाएगा महोदय। विधानसभा सचिवालय ने भी मुझे सूचित किया कि आज के लिए प्रश्न रहेगा, मगर प्रश्न आया ही नहीं महोदय। दिखवा देते हैं सज्जू बाबू, दिखवा देते हैं। दो ही दिन विधानसभा है, ठीक है, हम आपका प्रश्न दिन में आ जाए। ठीक है, आज उसका बिरिंच जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो जवाब मिला है बहुत ही भ्रामक है महोदय। धरने पे बैठे हुए हैं उनको, हाँ महोदय, लंबोदर मतो जी किसी विषय को लेकर धरने पर बैठे हैं महोदय, भूख हड़ताल पर बल्कि बैठे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि किन्हीं को भेज के बुलवा लिया जाए महोदय। नहीं, उसमें चंपाई बाबू और आप ही जाएंगे आप प्रश्न के बाद। जी ठीक 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 है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मुझे मिला है वो जवाब बहुत ही भ्रामक है महोदय, और जवाब दिया गया कि वहाँ पे जो ठेका मजदूर है उनकी संख्या सिर्फ 8,913 है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जब स्टील प्लांट महोदय शुरू हुआ था तो वहाँ पे लगभग 54,000 रेगुलर वर्कर थे महोदय, और आज भी कोई बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं महोदय। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर विधानसभा की एक कमेटी जाके जांच करके देख ले तो कितनी अनियमितता हो रही महोदय। जो रिटायर कर रहे हैं उसके बाद रेगुलर एम्प्लॉई वहाँ पे बहाल नहीं किए जा रहे महोदय, जो भी काम लिए जा रहे हैं वो ठेका मजदूरों के माध्यम से लिए जा रहे हैं, तो इतना कम है ही नहीं महोदय। कम से कम 28,000 डेली वेजेज वाले मजदूर आज भी स्टील प्लांट में मौजूद है। मेरा मूल सवाल ये था महोदय कि 1500 जो विस्थापित नौजवान जिनको अप्रेंटिसशिप कराने का हम लोगों ने दबाव बनाया था महोदय, और बीएसएल ने फेज वाइज अभी लगभग 500 के आसपास का अप्रेंटिसशिप करा दिया और कई लोगों का फेज वाइज कराना है। मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही महोदय कि जो विस्थापित हैं, जो नौजवान हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पे जब भी वैकेंसी लाए महोदय, मेरा इतना ही आग्रह है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अभी ज्वाइन करा दे, लेकिन जब भी वैकेंसी बीएसएल लाए महोदय, मेरा आग्रह कि प्राथमिकता उन विस्थापित नौजवानों को दे महोदय, इतना ही सरकार से। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है और बहुत साफ उत्तर दिया हुआ अध्यक्ष महोदय, इनका है कि सीधा कि कुल नियमित कामगार संख्या है अध्यक्ष महोदय 11,332, कार्यरत हैं कुल संवेदक के द्वारा 420 संवेदक अध्यक्ष महोदय, और नियोजित ठेका श्रमिक की संख्या है 8,913, और जो 1500 विस्थापित का मुद्दा है अध्यक्ष महोदय, 1500 में 498 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया अध्यक्ष महोदय, सेकेंड प्रशिक्षण 387 लोगों को दी जा रही है, शेष 615 लोगों को प्रशिक्षित होने के बाद विज्ञापन के द्वारा बहाली निकाला जाएगा या हड़ताल पूरा करने पर पहला प्राथमिकता 1500 विस्थापितों को दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। थैंक यू महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य किशुन कुमार दास जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा यह क्वेश्चन जो लाया गया है वो पूरे राज्य के संदर्भ में है महोदय। अंचल के द्वारा ऑनलाइन जमीनों के किया जा रहा है, इसमें अनेक त्रुटियां हैं। अगर आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर में इनको संधारित किया गया है तो किसी का नाम ही गलत है, अगर नाम सही है
तो खाता नंबर गलत है, अगर खाता सही है तो प्लॉट गलत है। इस तरह से रैयत लगातार अंचल का चक्कर लगाते रहते हैं और वो उनका समय बर्बाद होता है। हम आपके माध्यम से सवाल का जवाब भी आया है और इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो भी त्रुटियां हैं उनको सरकार कितने दिनों में दुरुस्त करेगी ताकि झारखंड के रहतों का हक अधिकार सुरक्षित रह सके। आप लोग जाइए बिरिंची जी माननीय मंत्री जी भू राजस्व। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि कितना दिन में कार्रवाई होगी, इसमें जवाब में हमने याद दिया है कि ये खंड दो में सेकंड पैराग्राफ में है, उक्त निर्णय के आलोक में जो जितना भी खतियान अपलोड नहीं होने के कारण स्थिति में दिनांक 11/6/2019 को ही मंत्रिमंडल की बैठक में मत संख्या 15 में अन्य के रूप में लिए गए निर्णय, अंचल अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों के सत्यापन या भौतिक सत्यापन कराकर संतुष्ट होने के पश्चात अभियुक्त दर्ज पर 22 के आधार पर लगन भुगतान की स्वीकृति देंगे ताकि रैत द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांग 2140 दिनांक 14/6/19 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी उपायुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है और उसमें जैसा भी उस तरह का मामला आ जाता है तो हम लोग बहुत जल्द ही कार्रवाई करेंगे। सर, इस पर मेरा स्पष्ट रूप से पुनः कहना है कि जितने भी माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं उनके पास जनता जरूर जाती होगी, इस समस्या से जरूर उनको अवगत कराती होगी। आज पूरे प्रदेश के लोग जमीन से जुड़ी समस्या को लेकर के काफी परेशान हैं, लगातार अंचल का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि यह पत्राचार तो विभागीय होते रहता है, निर्देश आते जाते रहता है, लेकिन कुछ ऐसा निर्देश जाए कि कैंप के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय में अंचल में कैंप लगा करके इस तरह की जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, ये पिछला दिन हमारे माननीय बंधु जी ने भी इस तरह का प्रमाण पत्र वगैरह के संबंध में सवाल किया था, तो पंचायत में तो नहीं किया जा सकता है, प्रखंड स्तर में ही इनका एक समय सीमा निर्धारित करके इस तरह का जो भी मामला आता है उस पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए। धन्यवाद। ठीक, कितना दिन में सर? कितना दिन में? तो जल्द ही, शीघ्र ही, मतलब एक आध महीना में। हाँ, एक आध महीना में, दो महीना में समय सीमा दे सकेंगे क्या? नहीं, इसमें प्रखंड स्तर में तो हम लोग ऐसा, आप प्रखंड स्तर का ही बात कर रहे हैं, उसमें तो हम लोग जल्दी ही इस तरह का सरकार की तरफ से निर्देश जाएगा कि प्रखंड स्तर में इस तरह से के अपना कार्य शुरू करें, जल्द ही हम लोग करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रश्न लाया है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव माननीय वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण 3 मार्च 2020 में, यानी राज्य के सामने जो उन्होंने कहा था कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल नर्सिंग बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी संस्थानों को नर्सिंग विद्यालय खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्य सरकार ने वर्तमान राज्य के विभिन्न जिलों जिसमें पूर्व से सरकारी नर्सिंग स्कूल संचालित नहीं है, मैं आगामी वित्तीय वर्ष में लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी एवं रामगढ़ में नर्सिंग स्कूलों को संचालित करने का लक्ष्य रखा हूँ, सरकार स्वयं अथवा पीपी मोड में संचालित किया जाएगा। और वर्ष आज समाप्ति पर है अध्यक्ष महोदय, यह महीना अंतिम है, अब तक जब नहीं वो नर्सिंग कॉलेज सामने आए तब हमने प्रश्न यह विधानसभा में लाया है और खुद सरकार ने इस बात को माना है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बात को माना है कि भाई यहाँ जो आपने कही है ये बातें सही है, और फिर दूसरे खंड में सरकार ने यह भी कहने का प्रयास किया है कि राज्य के कोडरमा, बोकारो, लोहरदगा जिले में एनएम ट्रेनिंग स्कूल भवन
कार्य पूर्ण हो चुका है और जिन जिलों का जिक्र है उनके बारे में चुप्पी साध ली है और फिर कह रहे कि नहीं हमने जो कहा कि भाई उपयुक्त जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल न होने के कारण छात्राओं के बाहर प्राइवेट नर्सिंग स्कूलों में काफी रुपये खर्च करने पड़ते हैं, इस पर भी आंशिक स्वीकारात्मक इन्होंने जवाब दिया है। तो मेरा सरकार से इतना ही कहना है कि जिन जिलों में अब तक नर्सिंग कॉलेज नहीं है ये कब तक उन जिलों में करेंगे, क्योंकि पिछले बार बजटीय प्रावधान करने के बावजूद भी अब तक यह विद्यालय प्रारंभ नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी, आदरणीय प्रदीप यादव जी के बात से हम लोग सहमत हैं और सरकार बहुत ही जल्दी इनके जो विषय हैं, गोड्डा में हम अक्टूबर में हम करीब करीब खोल देंगे अध्यक्ष महोदय इनके जो सवाल हैं। माननीय मंत्री जी, चूंकि माननीय सदस्य गोड्डा जिला से आते हैं और उन्होंने सिर्फ गोड्डा जिला का सवाल आपके समक्ष नहीं रखे हैं, गोड्डा के साथ और अन्य जिला का भी सवाल है, तो मेरा मानना है कि गोड्डा के साथ साथ जिन जिन जिला में नहीं हुआ है उसमें नहीं, इसमें अध्यक्ष महोदय कि राज्य के 10 जिलों के सदर अस्पताल में एनएम ट्रेनिंग स्कूल संचालित है, इसके अतिरिक्त फेजा संख्या के साथ पीपी मोड पर 6 अन्य संस्थान संचालित है, कौन कौन जिले बचे हैं पहले मंत्री जी ये बताएं कि कौन कौन से जिले बचे हैं जहां नर्सिंग स्कूल नहीं है, नर्सिंग कॉलेज नहीं है, पहले उन जिलों के नाम बताएं और फिर फेज वाइज बताएं कि गोड्डा कब खुलेगा, जामताड़ा कब खुलेगा, अन्य जिले में कब खुलेंगे, ठीक है एक साल में नहीं दो साल में ये बताएं, तब लोगों को विश्वास होगा कि सरकार के सामने कोई न कोई रूपरेखा है, वरना केवल घोषणा कर देने से नहीं होगा, आप इस रूपरेखा को पूरी मैंने प्रतिबद्धता के साथ पटल पर रखिए, हम सबों के सामने रखिए, तब हमें यकीन होगा, राज्य की जनता को यकीन होगा। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, हम पूरी तरीके से माननीय विधायक की बात से सहमत हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रेजा सेंटर के द्वारा जो है 6 जगह 6 जिले जो है हम उसमें पीपीपी मोड पे काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और वो है रांची, गुमला, सरायकेला, खरसुआ, साहेबगंज, चाईबासा, और 10 ऐसे जिले हैं जिसमें सदर अस्पताल ऑलरेडी जो है वहां पर काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और हमारी भी ये चिंता है कि हमको ज्यादा जल्दी से जल्दी एमसीआई के जो गाइडलाइन वगैरह हैं उसको भी फुलफिल करना है और नर्सिंग हमारे जो बहने हैं उसको जल्दी से जल्दी और कैसे हमारे राज्य में हमारी संख्या बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम अपने माननीय विधायक को ये आश्वस्त करते हैं कि गोड्डा में हम लोग अक्टूबर में हम लोग उसका जो है शिलान्यास कर देंगे, उद्घाटन कर में आप करें इसके लिए आपको बधाई है, सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन देखिए इसमें दो प्रश्न आता है अध्यक्ष महोदय सामने, एक तो आप पीपी मोड और फेजा के साथ कर रहे हैं उसमें जो फी लगेगा बच्चों गरीब बच्चों को उसके फी सरकारी कॉलेजेज के फी से 3 गुना है अध्यक्ष महोदय, क्या वह जो फी का अंतर होगा उसका वहन सरकार करेगी, पहली बात ये, क्योंकि आप पीपी मोड में करेंगे तो उसके फी में 3 गुना का अंतर आएगा अध्यक्ष महोदय, और जो सरकारी करेंगे उसमें फी बहुत ही कम रहेगा, तो पहला क्या सरकार इस फी के अंतर का वहन करेगी, पहला प्रश्न ये, और दूसरा जो बचे हुए कॉलेज है गोड्डा के साथ, उन बचे हुए जिले हैं गोड्डा के साथ, उन जिलों में कब खुलेगा, गोड्डा तो आपने अक्टूबर की घोषणा कर दी, अन्य जिलों में कब खुलेगा इसकी भी रूपरेखा आप बताएं, इसके बारे में भी बताएं, बस इतना ही है, अंतिम प्रश्न है मेरा। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है कि हम जो कम से कम फीस में और जो सरकारी महकमा से ही ये ज्यादा से ज्यादा हमारे नर्सिंग कॉलेज खुले इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितिजनक समझौते भी करने पड़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और जो लगातार हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और हम इनको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्दी शीघ्रातिशीघ्र हम विभिन्न जिलों में जो बचे हुए जिले हैं उसमें भी नर्सिंग कॉलेज को अधिष्ठापित कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जितना सरकार ने अपने पक्ष को रखने का प्रयास किया, लेकिन सरकार को
जब ये बजट बना है उस समय भी तो असेसमेंट करना चाहिए कि मेरी औकात कितनी है, हमारा चादर के कपड़े कितने हैं उतने दूर हम पैर फैलाएंगे। तो फिर उस समय आप बजटीय भाषण में कहते हैं कि सभी जिलों में हम खोल देंगे, आज कह रहे कि मेरी परिस्थितियां ये है, ये परिस्थितियां तो उस समय भी आपके सामने थी जिस समय ये बजट भाषण आप पढ़ रहे थे या बजट को आपने सामने रखा था। तो जब बजट रखने के समय आपने कह दिया, ताली पिटवा लिया, हम जैसे लोगों ने भी ताली पीटी है आपकी बजट पर, तो जब आपने ताली पिटवा ली तो आज फिर ताली पिटवाने में क्यों मजबूर हो रहे हैं? आज भी ताली लीजिए, कहिए कि नहीं जो शेष बचे हैं सब में खोलेंगे क्योंकि हमने बजटीय प्रावधान किया है। ये मेरा कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय, आप सरकार पीछे नहीं हट सकती। एक मिनट, तो ये मेरा कहने का है कि भाई जब, और हमने कहा इसीलिए शुरुआती दौर में भी हमने कहा कि यह प्रश्न मैं स्वयं से नहीं कर रहा हूं, आपने जो विचार रखा था बजटीय प्रावधान किया था वही से इस प्रश्न को लेकर के मैं आया हूं। तो भाई सरकार वित्त मंत्री खुद है, दोनों है सरकार की, और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है सरकार की, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष महोदय हो गया माननीय सदस्य बैठे। अध्यक्ष महोदय बाकी जिला में भी खोलने का जो आप विचार है उन्हीं के बारे में, सभी जिले में खोलने का विचार है और कुछ जो शेष बचेंगे अध्यक्ष महोदय उसको हम 21-22 में जरूर खोलेंगे। इनकी जो चिंता है चिंता वाजिब है और सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय। हो गया मान्य सब व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था ये है और वो आपसे है, विधानसभा से है कि आप मेरे प्रश्न को देखें। अध्यक्ष महोदय अल्पसूचित में 654 में यह प्रश्न हमने अल्पसूचित में डाला और ये राज्य स्तरीय प्रश्न है, तीनों राज्य के जो मेडिकल कॉलेज पलामू हजारीबाग और दुमका के बारे में इस सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको डिनाई किया कि नहीं, एमसीआई ने जो दिया है वही रहेगा, ये राज्य स्तरीय प्रश्न रहते हुए किन कारणों से इसे तारांकित में भेजा गया मैं दिखवा लेता हूं। मैंने केवल दिखवाने से नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के दो बार मैंने प्रश्न लाए, आप नहीं, आप सोमवार को अध्यक्ष महोदय क्वेरी करके बताइए जिसने गलती किया अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अमर कुमार बाबी होने दीजिए, आनंद जी होने दीजिए, वो है विसंगति है कुछ कुछ, मैं मान रहा हूँ आप लोग जैसे सूचना देंगे उसको हम निराकरण कर लेंगे। हाँ ठीक, थोड़ा अमर जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान राज्य सरकार ने कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ा है जब कोरोना संकट में अपनी उपलब्धि का उन्होंने महिमामंडन नहीं किया है। महोदय इस कोरोना काल में बचाव के लिए कोरोना काल को ढाल के रूप में और उपलब्धि के लिए कोरोना के संकट काल में एक महान उपलब्धि के रूप में सरकार ने बराबर इसको महिमामंडन किया है। महोदय मेरा सीधा सा सवाल था, इस कोरोना संकट काल में आप जो इतना संतुष्ट और अपने आप को इतना काबिल पेश कर रहे हैं उसके पीछे एकमात्र वैसे योद्धा जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिसमें डॉक्टर और नर्सेस की भूमिका, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे नियमित हो, उनकी भूमिका सबसे प्रथम पंक्ति पर है। जब सारे प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर नर्सिंग होम बंद हो गए थे तब यही संविदा कर्मी और सरकारी डॉक्टर्स और नर्सेस ये पूरे चीजों को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़े थे। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को अन्य राज्यों ने उनके प्रोत्साहन के लिए अलग अलग तरह से वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। हमने मांग किया था, हमने प्रश्न पूछा था, क्या सरकार ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जो उनके समतुल्य एक महीने का जो वेतन है वो देगी क्या प्रोत्साहन के लिए? आपने सीधे तौर पर इसको डिनाई किया है और लास्ट में सम्यक विचारोपरांत यथोचित निर्णय लिया जाएगा। ये सम्यक विचारोपरांत कब होगा, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? अगर सही मायने में आपकी उपलब्धि का सबसे बड़ा यदि क्रेडिट किसी को जाता है तो उनको जाता है, आप तो आगे आकर के उसका क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन इसके मूल का क्रेडिट का कारण उनका समर्पण है, उनका त्याग है, जो महीनों महीनों घर नहीं गए जब इस कठिन दौर में लोग एक इतने कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब उनका ही काम के कारण आप उनका नाम ले रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य मंत्री जी बोलिए, जवाब दीजिए। कोरोना योद्धा के प्रति सरकार पूरी तरीके से उनके प्रति सम्मान भी रखती है, आदर भी रखती है, और जो शहीद हुए हैं उनको बहुत हृदय से हम उनके प्रति
श्रद्धा सुमन भी समर्पित करते हैं अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य को के सवाल का बड़ा क्लियर कट उत्तर हमने दे दिया है अध्यक्ष महोदय कि हम उन योद्धाओं को चिन्हित करके जो वास्तव में इस संकट में सरकार के साथ खड़े थे और जान जोखिम में डाल के उन्होंने इस वैश्विक संकट में साथ दिया है, हम उनको विचार करके उनको उचित यथाशीघ्र उचित उनको जो एक महीना का उनका जो अतिरिक्त देना है वो हम देंगे अध्यक्ष महोदय। ओके अमर बाबू देंगे तो जवाब दिए है हो तो जाएगा ही, मेरा कहना है सेकंड खंड में दूसरे खंड में दूसरे खंड हो गया तो दूसरे खंड में वो चिन्हित करने की बात कर रहे हैं। महोदय मेरा सीधा सा सवाल है, आप चिन्हित किनको करेंगे? वो ऑलरेडी कार्यरत है, संविधान में है, आप कब विचार करेंगे और कब देंगे? आप देंगे कि नहीं आप बताइए। आप देंगे तो उतना तो हो गया, अब कब देंगे ये पूछते हैं ना। मेरा ये कहना कब देंगे माननीय मंत्री जी, कब देंगे ये बता दीजिए ना अध्यक्ष महोदय। हम अध्यक्ष महोदय हम पूरी तरीके से इस विषय में संवेदनशील हैं और ये विषय पक्ष पार्टी का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। हम हमारे सदस्य की गंभीरता और सरकार की गंभीरता दोनों एक है अध्यक्ष महोदय, और जल्दी जल्द हमने कहा कि शीघ्रातिशीघ्र मतलब होता है कि बहुत अतिशीघ्र, तो अतिशीघ्र ही हम लोग जो है तो मैंने फिर कोरोना का सेकेंड फेज आ रहा है। अरे आप प्रोत्साहित करेंगे तो आपके ही लोग आपके लिए काम करेंगे। आपको आपकी चिंता से सरकार वाकिफ है और हम सारे लोग मिलकर कोरोना के इस वैश्विक संकट से इस राज्य को मुक्त कराएंगे, आप इस विश्वास के साथ रहिए और बहुत जल्दी हम लोग इसका निपटारा करेंगे अध्यक्ष महोदय। तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य चमरा निंडा जी। अच्छा ठीक है एक ने इसको पुट, हमने तारांकित बोल दिया, ये अल्पसूचित का समय बंधु जी शेष हो गया, फिर आपके बाद वाला हुआ बोलेंगे तो हमारे लिए आसन के लिए दिक्कत हो जाएगा। बोलिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए। मामला विधि विभाग से संबंधित है, विधि विभाग द्वारा जो जवाब दिया गया है बिल्कुल सदन को गुमराह करने वाला जवाब है अध्यक्ष महोदय। सरकार के द्वारा अपने उत्तर में कहा है कि अशोक कुमार सिंह जो पूर्व मुख्य सचिव वर्तमान में केवल 6 विभागों में के अधिवक्ता है जो सत्य से बिल्कुल परे है। अध्यक्ष महोदय अशोक कुमार सिंह करीब करीब जितना भी ऑटोनोमस संस्था है सारे प्रतिष्ठान के अधिवक्ता है अध्यक्ष महोदय, और एक ऋचा संचिता करके जो सुनील बरनवाल कोई पदाधिकारी है यहाँ पर हमको था उसकी पत्नी भी करीब करीब सभी ऑटोनोमस में पूरा वो अधिवक्ता है अध्यक्ष महोदय। हाँ इन और अध्यक्ष महोदय अशोक कुमार सिंह का जो प्रैक्टिस अभी 7 साल भी नहीं हुआ है जबकि इन संस्थाओं को वकील बनने के लिए न्यूनतम अर्हता 7 साल होना चाहिए, और श्री सिंह का जो प्रैक्टिस मात्र 1 वर्ष का हुआ था तभी से वो पूरा जितने भी आपका ऑटोनोमस संस्था है सबका वो अधिवक्ता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इन पदों पर उन पर बना रहना बिल्कुल सरासर अन्याय है, इससे मेघावी जो वकील होंगे वे लोग जिनका पैरवी नहीं है वो तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे, उनका हकमारी हो रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि इस पर ऐसे वकील को आपको वहां से हटाने पर विचार करती है माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का जो प्रश्न था उसमें अशोक कुमार सिंह जितने विभाग है उसमें आउट ऑफ 33 में 16 विभाग का जो है उसको रखा गया 16 विभाग में, और दूसरा जो है आपका ऋचा संचिता इसको 2 विभाग में, बाकी अभी जो रेस्ट बचा हुआ है और जो बात माननीय सदस्य बंधु जी उठाए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल में 3 साल में लोग करा दिया गया, ये जांच के विषय है और मन सदस्य को हम कहना चाहेंगे इसको समीक्षा करके जो उचित होगा निर्णय लिया जाए। ठीक है बंधु जी हो गया बंधु जी। चमरा लिंडा जी माननीय सदस्य चमरा लिंडा जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरा क्वेश्चन है सर, सीएनटी एक्ट से संबंधित और शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट से संबंधित है। इसमें सर 71 धारा 71 ए के तहत में जो एसीआर कोर्ट के द्वारा डिस्पोजल हुआ केसेस, वो सिर्फ रांची में ही अभी तक कम से कम 4000 केस पेंडिंग है जो डिस्पोजल हो गया है, उसको दखल देहानी से संबंधित है, दिलाना है, दखल दिलाना है रैयतों को। अब ये यहाँ जवाब आ रहा है कि 2018 में आयुक्त और उपायुक्त को आदेश दे दिया गया है, 2 साल हो गया महोदय, एक भी केस का डिस्पोजल या दखल देहानी रैयतों को नहीं दिया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि आदेश यहाँ से सरकार की तरफ से जाए कि हफ्ता भर से शुरू करे, 2 हफ्ता से शुरू करे, कब से आप दखल देहानी देना शुरू, बहुत ज्यादा जमा हो गया है, 4000 केसेस पेंडिंग है सर। माननीय मंत्री जी जल्दी जब माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, जवाब तो हमने दिया है और सरकार की तरफ से दिया गया है, और यदि उसमें संतुष्ट नहीं है तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आप कब इसको आदेश देंगे, इसका मैंने आदेश चला गया है जी, सिर्फ आपको दखल दिलवाना, दखल दिलाना है। आदेश यहाँ से चला गया है, जैसा धारा इसमें सर्कुलर जारी करने के लिए वो तो यहाँ से आदेश चला गया, तो माननीय सदस्य जो कह रहे कि आप इसको कब तक ये करने के लिए, इसको हम लोग बहुत जल्द ही कार्रवाई के लिए भी कहा जाएगा, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट, आप ही को सहयोग कर रहे हैं, आप ही को सहयोग कर रहे हैं मथुरा बाबू। इसी में महोदय, ये काफी दिनों से जब से झारखंड बना तब से ये कोर्ट का बहुत सारा पेंडिंग है, क्योंकि राजस्व में हम भी रह चुके थे, उस समय प्रयास किया गया था, इस बहुत आवश्यक है महोदय, झारखंड के हित में एसआर कोर्ट जितना जल्दी हो सके इसका करे महोदय, जितना जल्द हो सके। और बोलिए बोलिए माननीय सदस्य। सर मेरा कहना है कि 2 साल हो गया तो एक भी केसेस डिस्पोजल के लिए और नहीं गया है दखल दिहानी के लिए, तो आयुक्त और उपायुक्त को अभी आदेश दे दिया जाए कि हफ्ता भर से शुरू करिए आप, 2 हफ्ता से शुरू करिए आप, हम यही चाहते हैं। ठीक, माननीय मंत्री जी। निश्चित रूप से माननीय सदस्य जैसा 1 सप्ताह 2 सप्ताह का बात करें, यह सत्र समाप्त हो जाने के बाद मैं विभागीय पदाधिकारी के साथ बैठ करके उसको जल्दी ही यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद, एक अनुपूरक धन्यवाद दे दीजिए सर जी। जी धन्यवाद। 51 के तहत जो डिस्पोजल होता है इलीगली होता है सर, उसमें शेड्यूल एरिया रेगुलेशन में फिर एक्ट है 71B, उसमें सजा का प्रावधान है, या तो फिर उसमें क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीड्योर 1973 के तहत में है, वो केस सर आज तक एक भी केस चला ही नहीं, ट्रायल ही नहीं हुआ, तो इतने सारे केस में जब इलीगली पाया गया ट्रांसफर तो उसको ट्रायल चलाना है, कौन कोर्ट में वो ट्रायल होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो एक भी केस हुआ नहीं है आज तक, तो वो कैसे करके करेंगे, उसमें 71B को चलाने के लिए कौन कोर्ट ऑथराइज है जो ट्रायल चलाएंगे। माननीय मंत्री जी। देश महोदय, मैंने कहा कि सत्र समाप्त हो करके विभागीय पदाधिकारी के जो सेक्रेटरी डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे और उसमें जो जैसा अच्छा होगा उस पर हम लोग निर्णय। इसके साथ और एक चीज लगाए जी, जी, जी 71A में जो एक्ट है इनके बाद फिर एक कोर्ट है 71 के बाद बी है जी, हाँ बी, तो उसको भी दिखवा लीजिए जी। ठीक ठीक है, माननीय सदस्य भूल मत हो जी। अध्यक्ष महोदय, बागमारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था अध्यक्ष महोदय, जिसका लगभग 70% काम हो चुका अध्यक्ष महोदय, उसका कार्य निर्माण हो चुका है, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, जबकि वो 3 पंचायत से जुड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, तरगा पंचायत, पोदुगड़ा पंचायत और आपका नीचे देघौरा पंचायत, जिसमें आबादी भी यार उन्हीं बगल से 100-200 मीटर दूरी से वहां से NH रोड पार हुआ अध्यक्ष महोदय, और हमने उत्तर दिए है अध्यक्ष महोदय, मगर उत्तर का स्पष्ट हमें नहीं लगता कि क्या करवाएंगे, क्या कि जो कार्य को रोकना तो नहीं जरूरी था अध्यक्ष महोदय, जब इनका इन्होंने उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय कि ये काम हो रहा है मगर स्वास्थ्य केंद्र ना बनाकर ट्रामा सेंटर बनाएंगे, तो जो भी काम हो अध्यक्ष महोदय, मगर काम तो उसका स्टार्ट रहना चाहिए ना अध्यक्ष महोदय, जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक ट्रामा सेंटर बनेगा कैसे अध्यक्ष महोदय, तो काम को ही रोक दिया गया अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहेंगे सरकार से अध्यक्ष महोदय कि उसको काम को शुरू करें। माननीय मंत्री जी, वहां सीएससी नहीं
बल्कि वहाँ पीएससी का जो है काम चल रहा था अध्यक्ष महोदय, और वो आवश्यकता के अनुसार चूंकि NH 32 का इलाका है वहाँ ट्रामा सेंटर ज्यादा उपयोगी होगा, इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि उसको हम ट्रामा सेंटर में तब्दील करेंगे और यथाशीघ्र उसको काम को हम आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब वो काम ही 70% हो गया तो उसको रोकने का कोई उचित तो नहीं बनता? नहीं, आपको तो बोल दिया कि शुरू करवा देंगे जी, आपको आश्वासन मिल गया मंत्री का जिसको फिर से शुरू करवाते हैं। मतलब 70% काम हो चुका तो काम तो शुरू करवा दे अध्यक्ष महोदय, उसको रोकने का माननीय मंत्री जी जब सारा पैसा करवा हो चुका, सब कुछ हो चुका। अध्यक्ष महोदय, वही तो हम कह रहे हैं, माननीय सदस्य थोड़ा सा समझने में ये उनको ये हो रहा है, वो ऑलरेडी वो काम चल रहा था अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो तो छोटी बात कर रहे हैं, हम उसे बड़ी बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कि वो पीएससी का काम हो रहा था लेकिन उसको हम अपग्रेड करके ट्रामा सेंटर में तब्दील करेंगे ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और जो गंभीर परेशानी होती है वो दूर होगी अध्यक्ष महोदय, और उसके लिए हम सरकार संकल्पित है अध्यक्ष महोदय। सेंटर बनाने का जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य अध्यक्ष महोदय, मगर हमारा कहने का मतलब जो निर्माण कार्य चल रहा था उसको क्यों रोक दिया अध्यक्ष महोदय? उसको तो बना जब भवन बनेगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष मान निर्माण काम बंद होने के चलते माननीय सदस्यों के मन में एक संशय आया है जो कहीं तो बंद हो जाएगा, इसलिए हम ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय उसको जल्दी ही उसको चालू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये मामला थोड़े पिछले समय का है अध्यक्ष महोदय, इसको हम चालू कर देंगे। ठीक ठीक है, हो गया, चलिए धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव जी, श्रीमती ममता देवी सौ भी नहीं है, अरे श्री भानु प्रताप साहि जी सौ भी। अध्यक्ष महोदय, हमने जो सरकार से सवाल किया है और जो जवाब आया है तो जवाब देख करके तो ऐसा लगता है कि सरकार ने सारी बातों को मान लिया है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, जो खंड 3 में उत्तर आया है कि 5 अस्पतालों में चिकित्सक और नर्स जो है हमारे उपलब्ध है और अस्पताल कार्यरत है, जबकि हकीकत ये है अध्यक्ष महोदय कि केतार में, हरिहरपुर में, खरौंधी में, सगमा में, डंडई में और बिशुनपुरा में अध्यक्ष महोदय कहीं भी चिकित्सक नहीं है। तो ये सवाल का जवाब जिसने बनाया है, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यही चाहूंगा कि वो मांग करके दे कि कौन कौन चिकित्सक कहां कहां पोस्टेड है और वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अस्पताल खुलता है कि नहीं खुलता है, यही जवाब पहले दे दे माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इनको विधिवत चिकित्सकों के नाम के साथ सारी इनकी जो ये है बात है इसको उपलब्ध करा दी जाएगी अध्यक्ष महोदय, कि कौन चिकित्सक किस जगह पर कार्यरत हैं, इनको सारी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी अध्यक्ष महोदय। ठीक है भानु जी। अध्यक्ष महोदय सुना जाए, अध्यक्ष महोदय हम लोग कोई नए विधायक नहीं है अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल और हमारे विधानसभा क्षेत्र का है, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, हम लोगों के नजर का है, हम लोगों ने ही बनाया है, स्वास्थ्य मंत्री भी आप रह चुके हैं, ये चारों के चारों अस्पताल माननीय मंत्री जी नहीं खुल रहे हैं आपके, वहाँ केवल ANM है, कोई भी डॉक्टर आपके नहीं, रोस्टर के हिसाब से रोस्टर भी अगर आपने दिया है तो नहीं जा रहे हैं, हम क्यों आपसे बोलते अगर वहाँ जाते होते, कोई भी चिकित्सक नहीं जा रहे हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपके प्रश्न को अगर हम सच भी मान लें, आप केवल यह बता दीजिए कि अप्रैल से ये सारे जगह अस्पताल चलना प्रारंभ हो जाएंगे, ये केवल घोषणा आपका। चलिए माननीय मंत्री जी, आपका जब यही है तो। अध्यक्ष महोदय, जो भी एक तो इनको सूची उपलब्ध करा दी जाएगी, दूसरा है अध्यक्ष महोदय यदि कहीं कोई कमी खामी है जिस पे हमारे विधायक गंभीर हैं, उस कमी खामी को भी हम दूर करेंगे और हम अप्रैल ये कह रहे हैं, हो सकता कि 10-15 दिन और ये हो, लेकिन हम उसको अभी भी चल रहा है लेकिन उसको और व्यवस्थित तरीके से हम चलाएंगे ताकि जो है आम लोगों को इस स्वास्थ्य लाभ की सुविधा मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, भानु जी का काम हो गया। डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता, चलिए सवाल करके लोग आते नहीं है। श्री माननीय सदस्य श्री नारायण दास जी,
अध्यक्ष महोदय, मेरे सवालों का जो उत्तर मिला है उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि वस्तु स्थिति यह है कि आगामी वित्तीय वर्ष में सदर अस्पताल देवघर में ट्रामा सेंटर स्थापित करने की योजना है। इसको जरा सा हम चाहते हैं कि इसका क्लियरिफिकेशन हो जाए। ठीक है माननीय मंत्री जी, स्थिति क्या है? ठीक माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इनको जवाब संतुष्ट करने वाला जवाब दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यदि फिर भी इनकी मन की जिज्ञासा है तो हम इसमें जल्दी ही हम लोग जो है इसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और जल्दी ही हम करके आपको इस बात से सहमत करा देंगे। सारी बात ठीक है, लेकिन खंड को एक में यह है कि देवघर जिला के अंतर्गत सदर अस्पताल एवं क्रमशः देवघर, देवीपुर, मोहनपुर प्रखंड में ट्रामा सेंटर स्थापित नहीं है, परंतु घायल मरीजों को सदर अस्पताल देवघर में अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। जब सुविधा है ही नहीं, ट्रामा सेंटर है ही नहीं, तो वहाँ किस प्रकार की सुविधा लोगों को दी जाती है? ये गंभीर विषय है मंत्री जी। आग्रह है कि इन चीजों पर त्वरित गति से आप ध्यान दें और ट्रामा सेंटर की एक तिथि घोषित कर दें कि फलाने डेट से वहां ये होगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सारी राज्य की सभी जिले के पीएससी, सीएससी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत हाई प्रोफाइल बैठक भी की है और हम बहुत गंभीरता पूर्वक सभी चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक नारायण दास जी की बात से सहमत भी हैं और हम लोग जल्द ही अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक को इस चीज के लिए संतुष्ट होना चाहिए। धन्यवाद नारायण जी। हो गया। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा जी। महोदय, हमारा प्रश्न था महोदय कि साहेबगंज में दिव्यांगों के पालन केंद्र बन उदयन मुख बधिर स्कूल में 18 वर्ष संचालित है, 70 दिव्यांग बच्चे महोदय पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं सही उत्तर है। दूसरा, हमने महोदय कहा है कि 22 मार्च 2020 के बाद दिव्यांग बोर्ड की बैठक साहेबगंज जिले में महोदय नहीं हुई है, इसको भी उन्होंने स्वीकार किया है कि कोरोना महामारी के कारण एक साल तक वहां महोदय दिव्यांग बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई। महोदय, केवल सरकार के संवेदनशीलता पर माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से संज्ञान में मुझे लाना था महोदय कि एक एक साल तक हमारे जो अभिवंचित दिव्यांग समाज है, अगर महोदय उसकी बोर्ड की बैठक नहीं होगी महोदय तो कैसे होगा? महोदय, इन्होंने स्वीकार कर लिया महोदय, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 22 मार्च 20 फरवरी महोदय जब हमने स्थानीय स्तर पर इस बात को हमने कहा कि इसको विधानसभा में उठाएंगे तो महोदय 20 फरवरी को महोदय दिव्यांग बोर्ड की बैठक हुई महोदय, एक साल के बाद महोदय। तो महोदय, क्या यह सरकार विचार रखती है, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसे जो दिव्यांग है जो अंतिम छोर पर है महोदय, बार बार कहते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, कभी उसी का बहाना, कभी कोई रोग विशेषज्ञ नहीं है उसका बहाना, ऐसे बहाना लेकर के लगातार वहां के स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन महोदय या अन्य जो शासकीय अधिकारी हैं वो इस प्रकार के बहाना करके बोर्ड की बैठक लगातार टालते रहे हैं और वो सब हमारा दिव्यांग जो है वो भटकते रहता है महोदय। तो आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि माह में दो बार, अगर संभव नहीं है तो कम से कम माह में एक बार दिव्यांग बोर्ड की बैठक करना चाहेगी? माननीय मंत्री जी, निश्चित तौर पर दिव्यांग के प्रति जो है हम सारे लोगों को मन में उनके प्रति जो है वेदना भी है, पीड़ा भी है और उनके प्रति हम समर्पित भी हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि दिव्यांग बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, इसको हम लोग नियमित कराएंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें समय का बर्बाद नहीं हो और जो भी उस संबंधित जो भी चिकित्सक हैं वो चिकित्सकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन बैठक को सुचारू और नियमित जरूर कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हो गया। क्या सरकार यह बताने का प्रयास करेगी
कि सरकार की ओर से पहले से ही स्पष्ट यह निर्देश जारी है कि महीने में एक बार दिव्यांग की बैठक करना वहां के पदाधिकारियों को आवश्यक है। माननीय मंत्री जी, करना आवश्यक है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये कोरोना के वक्त में थोड़ा परेशानी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूँ कि दिव्यांग के प्रति हम सारे लोगों की संवेदना है और उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको हम नियमित करेंगे और यदि कहीं कोई कमी खामी कर रहा है तो उसको दंडित भी करने का काम होगा अध्यक्ष महोदय। हो गया आनंद जी। माननीय मंत्री जी के कोरोना COVID-19 महामारी के कारण सबको दर्द है, सब परेशानी है महोदय। अन्य गतिविधियों का महोदय हमारा संचालन हो गया और उस कोविड महामारी में महोदय साहेबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों से जिला अस्पताल में मुख्यालय में आकर के महोदय और हमारे दिव्यांग बंधु भटकते रहते थे महोदय। क्या उन अधिकारियों पर माननीय मंत्री जी साहस दिखाएंगे कि जिन लोगों जो इस गड़बड़ी के जिम्मेवार है, जो एक साल तक बैठक नहीं किए हैं महोदय, उन पर कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी, मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया है। उत्तर कोई प्रत्येक महीने में एक बैठक करनी है अध्यक्ष महोदय, जो एक साल से बैठक नहीं हो पाई है, तो सरकार को एक सलाह देना चाहता हूँ कि इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सभी प्रखंडों में आप विशेष रूप से करा दें ताकि जो दिव्यांग लोग इधर उधर भटक रहे उनके काम सरलता से और सहजता से हो सके। प्रत्येक प्रखंड में कराया जाता है बीच बीच में अध्यक्ष महोदय, उसको करा दे तो जी एक साल की क्षतिपूर्ति जल्दी हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर साहबगंज का मामला आया था, लेकिन साहबगंज के साथ यदि पूरे राज्य के दिव्यांगों के लिए यदि अच्छी व्यवस्था कायम हो तो हम समझते हैं कि ये सुखद होगा और हम इसकी एक समीक्षा रिपोर्ट मंगाएंगे साहबगंज में ऐसा क्यों हुआ है और यदि वहां जान के जो है परेशानी पैदा की गई है तो कार्रवाई भी होगी और प्रदीप जी का सुझाव बहुत स्वागत योग्य है। हम लोग पूरे राज्य में इसकी समीक्षा करके एक समुचित रिपोर्ट मंगाने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। हो गया आनंद जी, आप जो जो चीज मांगे हो, धन्यवाद देने के लिए महोदय, अब दूसरा लेने सुन तो लिया जा महोदय, धन्यवाद देने के लिए है आपके माध्यम से मंत्री जी को, धन्यवाद है महोदय। केवल इतना ही आग्रह है कि आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में रहे कि बहुत सारे ऐसे जो दिव्यांग के कारण है उसका जांच के लिए लोग धनबाद और रांची भेजते हैं साहिबगंज जिला से महोदय, उसको साहिबगंज जिला में ही सुनिश्चित कराया जाए महोदय, इसका मंत्री जी ख्याल रखेंगे। ठीक, बहुत ठीक, बहुत धन्यवाद महोदय। ठीक, माननीय सदस्य केदार हाजरा जी, सरकार जवाब आया है और सरकार ने जवाब सही देने का प्रयास किया है, लेकिन दो चीजें जो सरकार ने अंतिम खंड में कहा कि झारखंड राज्य विधि आयोग के लिए अध्यक्ष पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति एवं विधि आयोग की कालावधि के अनुसंगिक स्थापना सहित दिनांक 14/11/2019 से आगे की अवधि के लिए विस्तारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव निर्णय लिए जाने हेतु प्रक्रियाधीन क्या है महोदय, राज्य हित का है तो थोड़ा सा माननीय मंत्री जी इनको स्पष्ट करना चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसका जवाब तो मूल रूप से दिया गया है। अभी जो लास्ट पैरा का जो उनका है खंड 6 में 14/11/2019 से आगे अवधि के लिए विस्तारित किए जाने की संबंधी प्रस्ताव, मैं आश्वस्त करते हैं बहुत जल्दी इसका करा देंगे और वो लोग कार्यरत भी है जो पहले जो 2019 तक किया था जिसको वेतन दिया गया था वो अभी भी कार्य कर रहा है और इस दिशा में कल चर्चा भी हम लोग ने किए हैं विभाग से, बहुत जल्दी इसका निर्णय लेकर कर दिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय जी, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2019 से अभी तक विधि आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो पाया, तो अब 2 साल इधर हो गया और अभी सरकार कह रही कि प्रक्रियाधीन है, जो राज्य से जुड़ा हुआ मामला है महोदय, कई लोगों को इसमें सहायता मिलता है गरीब गुरबा को, इसमें थोड़ा सा ठीक समय बता देंगे, बहुत जल्दी हमको लगता है कि 1-1.5 महीने में हो जाएगा, बहुत हम धन्यवाद। ठीक है, अब मैं आपको देंगे सीपी बाबू, आपको देंगे।
माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, थोड़ा राज सिन्हा जी से निपटने दीजिए, आपका तो फ्री है, आपको कब रोका है, कौन रोका है, आपको देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को, यह जो मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इसके सारे प्रश्न स्वीकारात्मक है, इसलिए मैं धन्यवाद देने के लिए उत्सुक हूँ, धन्यवाद भी दे रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय एक आग्रह करना चाहता हूँ, यह कोविड से संबंधित हमारे प्रश्न है और मैंने पूछा है कि जितने भी वेंटिलेटर, थर्मल स्कैनर, फेस मास्क, जितने भी या आर्थिक सहयोग केंद्र सरकार ने दिया है कि नहीं दिया है, यह सारे विषय पर सरकार ने अध्यक्ष महोदय स्वीकार किया है कि हाँ केंद्र सरकार से हमको अपेक्षित मदद मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के माध्यम से आपको स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक आग्रह होगा कि बाहर में अखबारों के माध्यम से जो है सरकार अक्सर बोलते रहती है कि हमको केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है और सब लोग अपना सीना ठोकते हैं कि यह सरकार ने अकेले कोरोना को पूरा चैलेंज चुनौती करके झारखंड में अपना डंका जमाया है, तो मेरा आग्रह होगा कि कृपया इस स्वीकारोक्ति को आप हर जगह स्वीकार कीजिए और इस बात को खुलेआम बोलिए कि केंद्र सरकार ने भी हमको मदद किया है और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज शुक्रवार है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष सूचना आज शुक्रवार है, जय सवाल जी, आपसे सीपी बाबू पहले बोला है, आप बैठो, आप जय सवाल जी बैठो, शून्यकाल को लेना, आज शुक्रवार है, 12:30 बजे तक साधन है। सर, माननीय सदस्य श्री उमा शंकर अकेला जी, ये मेरा प्रश्न आया है सर। अच्छा, उसको हम व्यवस्था करते हैं, आप शून्यकाल पढ़े, शून्यकाल शुरू करने दीजिए हमको। हाँ, शून्यकाल तो देंगे सर, लेकिन इसको या तो फूट कर दिया जाए सर, मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे, या तो फूट कर दिया जाए सर। माननीय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है तो सरकार का जवाब भी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर राज सिन्हा जी ने कहा, चूंकि ये सरकार ईमानदारी की बुनियाद पर टिकी हुई है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमने सवाल के जवाब दिए हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जैसा केंद्र सरकार ने हमको मदद किया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके बावजूद भी हम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अपनी बात को रखते हैं अध्यक्ष महोदय। चलिए ठीक, उमा शंकर अकेला जी, आप अपना शून्यकाल पर है, ठीक है, उसका व्यवस्था होगा ना, आप अपना शून्यकाल, दलित का सवाल है सर, आप पर्यावरण का सवाल है सर, माननीय सदस्य श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता सर, अच्छा पढ़ लेता सर, पढ़ लेती धनबाद जिला के निरसा प्रखंड में, अकेला जी पढ़िए पढ़िए, एक मिनट उनको पढ़ने दी, पढ़िए सर, बरही से रजौली तक 4 लाइन की सड़क का निर्माण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, असंवेदक आरकेस है, जो हम लोग को यहाँ पुस्तकालय भवन का छज्जा गिर गया वही वो ठेकेदार है सर, और वो यानी कितना घटिया किस्म का सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ उनको जांच करा के संवेदक पर कार्रवाई की जाए। माननीय सदस्य श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के निरसा प्रखंड में 36,57,00,000 की राशि से बनने वाला बारबिंदिया पुल 25 अगस्त 2009 को भारी बारिश में 5 पिलर ध्वस्त हो गए तथा 2 पिलर झुक गए हैं। 12 वर्षों से पुल निर्माण कार्य की जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। व्यापक जनहित तथा राजस्व की बचत हेतु सरकार से पुल का निर्माण कार्य अविलंब शुरू करने की मांग करती हूं। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी, साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण कार्य महोदय प्रारंभ हो चुका है, भविष्य में शहर के आंतरिक आवागमन में इस पुल का कार्य पूर्ण होते ही अप्रत्याशित वृद्धि होगी महोदय, जिससे कि परिवहन व्यवस्था प्रभावित होगी, इसके लिए लिंक पथ का निर्माण साहेबगंज गंगा पुल से लेकर शोभनपुर भट्टा राजगांव पीडब्ल्यूडी पथ
से जुड़ते हुए नमामि गंगे घाट पुरानी साहेबगंज चानन होकर समदा स्थित बंदरगाह के फोर लेन NH80 तक रिंग रोड या बाईपास के रोड के निर्माण से शहर के आंतरिक एवं बाह्य यातायात व्यवस्था का संचालन सुगमता पूर्वक होगा। अतः सरकार से मांग है कि साहेबगंज शहर के आंतरिक यातायात के व्यवस्थित संचालन हेतु पुल के निर्माण के निमित्त उक्त वर्णित रिंग रोड या बाईपास रोड का निर्माण कराई जाए। माननीय सदस्य श्री कोचे मुंडा जी, अध्यक्ष महोदय, खूंटी जिला अंतर्गत तुरपा प्रखंड के ग्राम डोरवा में 31/10/2018 को बिजली का तार टूटकर गिर जाने से विशु महतो के आंगन में बंधी हुई भैंस की मृत्यु हो गई। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि गरीब कृषक विशु महतो को आपदा प्रबंध विभाग के द्वारा उचित मुआवजा का भुगतान जल्द करें। माननीय सदस्य श्री दशरथ गगरई जी, अध्यक्ष महोदय, टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा संचालित टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के सभी विधायकों के अनुशंसा पर गरीब एवं निर्धन परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग रखता हूं। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, अमुआ टिकर ग्राम पूर्व में लातेहार जिला अंतर्गत बरवाटी प्रखंड के गणेशपुर पंचायत में आता था, जिसे वर्तमान में 9 घोषित सरजू प्रखंड में शामिल किया गया है। सूचित करना है कि अमवा टिकर के ग्रामीणों को अब सरजू प्रखंड मुख्यालय जाने में करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होगी। अतः अमवा टिकर ग्राम के ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए इसे बरवाडी प्रखंड के चुंगरू पंचायत में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य नारायण दास जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास योजनाओं कार्यक्रम के संचालन हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 80-81 से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन पूरे भारतवर्ष में किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में यह मापदंड निर्धारित की गई थी कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में 1/4/99 से पूर्व से कार्यरत सभी कर्मियों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य विभाग में समायोजित कर लिया जाएगा, परंतु झारखंड सरकार द्वारा अब तक समायोजित नहीं की गई है। अतः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की भांति विभाग में समायोजित कर उक्त कर्मियों को भी सरकारी कर्मियों की अनुरूप सुविधा दी जाए, जिस हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुवा जी, अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के पश्चात पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष 1000 रुपये बतौर वृद्धि का भत्ता भुगतान अंतिम वर्ष 2011 में किया गया था, जबकि पड़ोसी बिहार राज्य में यह भत्ता नियमित रूप से जारी रहा था। 2017 में इसे संशोधित करते हुए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये भुगतान किया जा रहा था। राज्य के पुलिस पदाधिकारियों में व्याप्त असंतोष के मद्देनजर इन्हें वर्दी भत्ता बिहार राज्य के तर्ज पर करने की मांग आसन के माध्यम से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी जी, सर्वे सेटलमेंट में व्याप्त भारी गड़बड़ी के कारण रहितों को होने वाली परेशानी एवं उनके शिकायतों के मद्देनजर चार चंदन कैरी अंचल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत री सर्वे सेटलमेंट का कार्य IIT रुड़की को दिया गया है। 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से इसे अविलंब शुरू करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी, अध्यक्ष महोदय, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 900 घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों से परीक्षा, नामांकन, निबंधन, मूल्यांकन का अतिरिक्त कार्य लिए जाने के उपरांत भी उनकी मानदेय में काफी असमानता है। अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को UGC मापदंड के अनुसार एक निश्चित मानदेय दिए जाने की मांग सदन से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी, अध्यक्ष महोदय, झारखंड में आज करीब 4 से 5 लोग वैसे लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, जो उम्र अधिक होने के कारण विभिन्न बहालियों में योग्यता रहने के बावजूद भी रोजगार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 20 साल हो गए अध्यक्ष महोदय झारखंड गठन हुए, लेकिन लगभग 8 से 10 वर्ष विभिन्न कभी CBI जांच, कभी हाई कोर्ट या कभी अन्य कोई कारणों से वह बहाली हो नहीं पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अन्य UP जैसे राज्यों में अध्यक्ष महोदय
कट ऑफ एज जो है उम्र सीमा वो सामान्य ओबीसी महिलाओं के लिए 42 वर्ष और एससी एसटी के लिए 45 वर्ष है अध्यक्ष महोदय। हम मांग करते हैं कि उसी प्रकार से झारखंड में भी किया जाए जिससे 4-5 लाख लोगों को रोजगार में सुविधा हो। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय राज्य के पंचायत में 4-4 स्वयं सेवक के हिसाब से कुल 18,000 स्वयं सेवक कार्य लक्ष्य पूर्ति के आधार पर पीएम आवास वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन आदि का निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियुक्त किया गया है। इन्हें इनके निमित्त बहुत ही नगण्य मानदेय दिया जाता है। अतः कल्याणकारी राज होने के नाते इसके कार्य दक्षता को देखते हुए मैं उचित मानदेय दिए जाने के लिए सदन से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोनगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय सिमडेगा जिला अनुसूचित जनजाति बहुल एवं पिछड़ा जिला है। सिमडेगा महाविद्यालय सिमडेगा में आईएससी एवं बीएससी की पढ़ाई प्रोफेसरों की कमी के कारण बंद हो गई है और इस वर्ष से एमए की पढ़ाई होने की स्वीकृति मिल गई है और नामांकन चालू है, लेकिन अभी तक इन सभी संकायों में प्रोफेसर एवं लेक्चरर की कमी है। अतः सदन के माध्यम से सरकार को मांग करता हूं कि फिर से आईएससी एवं बीएससी की पढ़ाई को शुरू किया जाए और विज्ञान एवं एमए के सभी लेक्चरों एवं प्रोफेसरों की बहाली यथाशीघ्र किया जाए। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। अध्यक्ष महोदय गोड्डा जिला के महगामा विधानसभा क्षेत्र में अक्सर आगजनी की घटना होती रहती है जिससे जान माल की क्षति भी होती है। गर्मी के दिनों में आगजनी की घटना आम देखे जाते हैं। अतः महगामा अनुमंडल में कम से कम 2 अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय बोकारो जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डा का नामकरण झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम से तथा बोकारो स्थित सिटी पार्क का नामकरण अमर शहीद शेख भिखारी एवं अमर शहीद टीकत उमराम के नाम से करने तथा विस्थापित स्टेडियम महरार एवं बसंती मोर का नामकरण झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व मंत्री स्वर्गीय अकलूराम महतो के नाम से करने तथा चास प्रखंड के कंडरा मोर का नामकरण झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय राजेंद्र महतो के नाम से करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। धन्यवाद महोदय। रांची जिला के प्रखंड नामकोम नगरी अनगड़ा और मांझी रातू खाके एवं रांची नगर निगम के आवासीय क्षेत्रों में कई ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा प्रदूषण के कारण कृषि योग्य भूमि में उपज नहीं होता है और नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है। जनहित में इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार सर्वेक्षण कराकर उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय गुमला जिला में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइड है। जिले में बॉक्साइड का दोहन लगभग 5-6 दशकों से हो रही है और जिला की बॉक्साइड दूसरे राज्य को जा रही है। गुमला जिला से रसवा के नाम पर लगभग 25-30 करोड़ रुपये सालाना राज्य सरकार को जा रही है। अतः गुमला जिला में बॉक्साइड आधारित कारखाना लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार चौरसिया जी। अध्यक्ष महोदय गढ़वा जिला निर्वाचन क्षेत्र भंडरिया से अलग हुए नव सृजित प्रखंड बरगर एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। ग्राम उगरा के पास कन्हा नदी पर पुल निर्माण कराए जाने के हजारों गांव के लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का संपर्क मार्ग के होता है जुट जाएगा तथा रोजगार का सृजन भी होगा। अतः सदन से के माध्यम से मांग करता हूं कि ग्राम उगरा में जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कन्हा नदी पर पुल निर्माण कराने जाके मांग करते हैं। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय एनसीटी ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो अवधि 7 साल की होती थी उसे लाइफ टाइम कर दिया है।
बिहार में भी जो टेट की जो वैलिडिटी होती थी प्रमाण पत्र की, उसे भी लाइफ टाइम कर दिया गया है। झारखंड में भी जो है टेट की जो है प्रमाण पत्र होते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उसको लाइफ टाइम किया जाए उसकी अवधि और परीक्षा आयोजित की जाए। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार के ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि धनबाद जिला अंतर्गत तोपचांची प्रखंड में एकमात्र तोपचांची झील है, उसे पर्यटक स्थल का दर्जा के साथ साथ सौंदर्यीकरण तथा गिरिडीह जिला के पर्यटक स्थल पारसनाथ मधुबन साज सज्जा हेतु सोलर लाइट लगाने का सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य ढुलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य में रहने वाले घटवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं अध्यक्ष महोदय, जिसकी रहन सहन अनुसूचित जनजाति जैसे तरह वर्षों से इनका अनुसूचित जनजाति का शामिल करने का मांग चलता रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी सामाजिक एवं रहन सहन को देखते हुए इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री केदार हजरा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में भूमि हदबंदी के तहत भूदान यज्ञ समिति के द्वारा गरीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को गर्मजरुआ खास जमीन की पर्चा दी जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी सरकारी कार्य उस भूमि पर कराया जाता है अधिग्रहित करके, वैसे भूमि को भूमि धारकों को मुआवजा नहीं मिलता है। हम सरकार आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वैसे भूधारियों को भी रहती मान्यता देते हुए मुआवजा दिलाने का कष्ट करेंगे। माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के झरिया अंचल क्षेत्र में बस्ता कोला मौजा संख्या 140, खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 314 एवं अन्य कुल रकबा 180.45 एकड़ पर चल रही आउटसोर्सिंग खनन परियोजना में 5.54 एकड़ चांदमारी बस्ती निवासी अनुसूचित जनजाति तथा 10.56 एकड़ ग्यारहवाद खाते की है। उक्त वर्णित भूमि सरकारी बंदोबस्ती की व पंजी 2 में दर्ज भी है, अतः अनुसूचित जनजाति के 55 खाता धारकों के प्रक्रियाधीन सरकारी मुआवजे के भुगतान को शीघ्र करवाने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री भूषण बड़ा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सिमडेगा जिला कृषि आधारित है, यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं। सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र है, परंतु बानो एवं जलडेगा प्रखंड को छोड़कर अन्य कोई प्रखंड के किसान लाभान्वित नहीं है, जिस कारण जिले के किसान कृषि वैज्ञानिकों से आधुनिक कृषि फलदार पेड़ जैविक खाद बीज आदि संबंधी परामर्श नहीं ले पाते हैं। अतः सिमडेगा जिला मुख्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। श्री इरफान अंसारी जी। सर, सबसे पहले सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर। आप सूचना सुनने काल की सूचना पड़ी है, सर आज तक सर मेरा ना एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर, क्या कारण है सर? अच्छा, हम सिंपल कभी कभी सलाह मान्य सदस्य सर, सबसे पहले मान्य सदस्य कभी कभी सलाह में खड़ा हुआ करिए, और उसके बाद भी सर मेरे साथ इस तरह से सर लगता है कि कोई नहीं नहीं आपका शंका आप हम उचित नहीं मान रहे हैं। नीचे से मिलेगा इरफान अंसारी सर, सबसे लास्ट में मिलेगा इरफान अंसारी। अच्छा ठीक है सर, बताइए सर, आप सुन निकल इतना महत्वपूर्ण सवाल हम डालते हैं। कभी कभी माननीय सदस्य जिनको शंका होता है सवाल, शंका नहीं सर पूर्व की शंका से चला रहा है, नहीं आता है तो निश्चित रूप से जाकर के खड़ा होइए, अधिकारी को हटा दीजिए सर, नया नया लोग रखिए सर, सलाह में खड़ा होइए, सुनने का उसका सूचना पड़ी मेरे साथ सर। आज भी सर बोल रहे हैं बार बार सर कि कुछ लोग सर दिमागी संतुलन को खराब है सर, जो आप सुनने का सूचना पड़े मान्य सदस्य, आप अगर सचेतन रहेंगे तो दिमागी खराब का क्या सवाल है? पढ़िए पढ़िए सर। सर ठीक है, राज्यभर के थानाओं में स्थानीय भाषा भाषी पदाधिकारी कर्मी या स्थानीय नियुक्ति नहीं रहने के कारण आम जनों द्वारा आए दिन पुलिस कर्मी पर कई तरह की शिकायतें मिलती है। इसका कारण यह है कि स्थानीय स्तर पर उसका जुड़ाव नहीं रहता है। यदि स्थानीय पदाधिकारी कर्मी की नियुक्ति राज्यभर में कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर पुलिस के व्यवहार और पुलिस पर उठे सवाल में कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूँ कि आए दिन दलित आदिवासी अल्पसंख्यक जो थाना इंचार्ज है महोदय, ये बाहर के लोग हैं,
या तो बिहार के है या छत्तीसगढ़ के है, उत्तर प्रदेश के है। ऐसे हम ऐसे में उन लोगों का यही रहता है, मकसद रहता है कैसे इनको दोहन करें। अतः आपसे मैं मांग करता हूँ कि जितने भी थाना है, मैं राज्य सरकार आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि जितने भी थाना में जो थाना प्रभारी है स्थानीय हो। धन्यवाद महोदय। आपसे पहले सीपी बाबू हाथ उठाए थे, सीपी बाबू का कुछ सूचना है, मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आप कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, और चूंकि आपने आदेश बहुत देर बाद दिया और मेरे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट भी देखने लायक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, अध्यक्ष महोदय समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि रांची के अंदर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उससे 4 लाख रुपए की राशि वसूली गई है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राज्य सरकार के बजट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो सदन कानून बनाता है अध्यक्ष महोदय, उस सदन में बैठे हुए लोग आप सहित लोग मास्क नहीं पहने। अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था यही है, एक तरफ पुलिस जो है सड़कों पर, एक तरफ पुलिस सड़कों पर लोगों से, गरीब लोगों से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और दूसरी तरफ माननीय सदस्य जो कानून बनाते हैं, जो कानून को इम्पावर करते हैं अध्यक्ष महोदय, और वही मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। चलिए, सबको मास्क पहनना है, यही मेरा इस कोरोना काल में मास्क पहनना है, हो गया। भानु जी बोल लीजिए। मेरा आग्रह है, मेरा एक मिनट सुने, मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय, एक मैसेज अच्छा जाएगा कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री सहित मास्क नहीं पहना है, सबसे दंड वसूला जाए अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूँ एक मैसेज बाहर अच्छा जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे नहीं, स्मरण करा दिए, कोरोना काल है, ठीक है। हाँ। संसदीय कार्य मंत्री बोल लेते हैं, फिर भानु जी आपका सूचना सुन लेते हैं। हम बोल रहे थे कि सर, जब ये बात उठी है जो कौन कौन सदस्य पहन कर आते हैं नहीं आते हैं, उस पर जो जुर्माना होना चाहिए, तो मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ है और 26 तारीख से चल रहा था हाउस, रोजाना निकाला जाए यार कौन कौन नहीं है, सबका फाइन किया जाए, उनका बात पर समझ देते शुरुआत से क्यों रहेगा। माननीय सदस्य भानु जी अध्यक्ष महोदय, मनीष जी को थोड़ा सा बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम बस एक मिनट का विषय, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी सदन में है अध्यक्ष महोदय, और ये गंभीर विषय पूरे प्रदेश के लिए है अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार के सेवा के जितने लोग हैं अध्यक्ष महोदय और भारत सरकार के कर्मी, उन लोगों को ससमय प्रमोशन दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, ससमय, और प्रमोशन के साथ पदस्थापन भी उनका हो जाता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन झारखंड सेवा के और झारखंड के जो कर्मी है अध्यक्ष महोदय, उनका प्रमोशन पर भी रोक लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, उनका प्रमोशन समय से नहीं हो पाता है, इससे उनकी वित्तीय तो मार्ग उन पर पड़ता ही है अध्यक्ष महोदय, उनका थोड़ा मानसिक भी वो दबाव में रहते हैं अध्यक्ष महोदय जो प्रमोशन के लायक है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, और जितने प्रमोशन वाले लोग हैं झारखंड सेवा के लोग या झारखंड के कर्मी अध्यक्ष महोदय, या नियमन दे दिया जाए कि इसका उन लोगों का प्रमोशन कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो सही रहे। जसवाल जी, अध्यक्ष महोदय आपको भी दे रहे हैं, आपको बोलने दीजिए, फिर आपको दे रहे हैं तुरंत, आज शुक्रवार है अध्यक्ष महोदय। हजारीबाग के सदर प्रखंड के बहोरनपुर गाँव में अध्यक्ष महोदय, बहुत पुराने 9वीं और 10वीं सदी के जो है मूर्ति और बौद्ध विहार मिला है अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार उनका, अगर उनको संग्रहित नहीं करेगी, अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो अध्यक्ष महोदय बरसात में सारा चीज गिर जाएगा। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूँ कि वहां पर एक म्यूजियम बनाया जाए, इस इलाके को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाए, और अविलंब वहां पर शेड बनवाया जाए, ताकि ये जो
धरोहर है, इसको बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ममता जी का क्या सूचना है? अब ममता जी का सूचना तो होने दीजिए, उसके बाद आप ममता जी, हमेशा से ऐसा करने से नहीं चलेगा अमर बाबू। माननीय महिला सदस्य खड़ी है। धन्यवाद महोदय। महोदय उनको बोलने दीजिए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महोदय आसन पर कई ऐसे सड़कें हैं महोदय जो अत्यंत जर्जर हो गए हैं, जैसे लारी बुद्ध बाजार से कुंद्रू कला भाया लोदरो बेड़ा बोरोबिंग पथ, दुलमी बाजार टाण से आरियो रोड जमुआ बेड़ा भाया कुल्ही चारू सिकनेरी पथ, रुआ से पुतरेडी पथ तथा जमुआ बेड़ा पुल से कोरिया टाण होते हुए लेम्बो भैयार तक सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है महोदय। इसका अतिशीघ्र मजबूतीकरण और आपका सूचना है ना क्या? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मान्य अमर जी महोदय, माननीय मनीष भैया ने जिस विषय को उठाया है, हजारीबाग में जो बौद्ध कालीन जो मूर्तियां मिली है, मैं बताना चाहता हूं महोदय, उसका जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर है, उसका जो अन्वेषण किया जा रहा है, उसका जो खुदाई की जा रही है, वो बिहार सरकार ने बिहार में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे की जा रही है। झारखंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसमें नहीं है। सारे मॉन्यूमेंट्स को उठा करके वो बिहार ले जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है सरकार का, वो उसमें इंटरफेयर करे और झारखंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको खनन करके उसको संग्रहित भी करे, नहीं तो सारा ले जाकर, पहले भी हमारे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं मूर्तियां बिहार के म्यूजियम में है, अभी भी यहां से उठा करके ले जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार का माध्यम ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी का क्या सूचना है? अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमें भी जानकारी प्राप्त हुई थी। अध्यक्ष महोदय, पिछले कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी महोदय को आदेश दे दिया गया है कि यहाँ से कोई भी मूर्ति बिहार नहीं जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ की मूर्तियां यहीं संरक्षित रहेगी हजारीबाग में, और इटखोरी हजारीबाग पूरा सर्किट एक बनाया जाएगा, बहुत सर्किट। अध्यक्ष महोदय, जो आने वाले चतरा को लेकर, अध्यक्ष महोदय, जो इनको संरक्षण देने का काम करेगा अध्यक्ष महोदय, और पर्यटक स्थल के रूप में यह धार्मिक सर्किट विकसित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, माननीय मंत्री, बहुत सूचना हो गया मेरी। अच्छा, इसके बाद आपको बोलेंगे, हम भूलते नहीं है। सीपी बाबू कितना पहले बोले थे, लेकिन उनका सूचना लिया ना, और सबको मास्क पहना दिए। बैठिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं दमोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री परिवहन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2020 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के अधीन झारखंड राज्य सूचना आयोग रांची के वर्ष 2017 एवं 2018 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सभापति जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत जिला परिषद पंचायती राज समिति का छठा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। मंत्री प्रभारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के समन्वय 31 मार्च 2022
के समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 52,25,74,000 रुपया से अधिक राशि प्रदान की जाए, ये प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री अमर कुमार बावरी, अनंत कुमार ओझा, बिरिंची नारायण, विनोद कुमार सिंह एवं डॉक्टर लंबोदर महतो सौभिशो के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 95 से 99 तक व्यापक है। माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।